मैं सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में आपका कलर क्लियर करने का बेहतरीन तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आपको कुछ दूध चाहिए, सूथिंग लोशन चाहिए, कोकोनट ऑयल, हल्दी चाहिए, आपको आटा ले लें या बेसन या चावल का आटा भी ले सकते हैं, आपको कच्चा दूध चाहिए बॉयल भी ले सकते हैं। ये ग्लिसरीन है मेरे पास। और इसके बाद आपको चाहिए सैंडलवुड पाउडर यानी सैंडल की लकड़ी का पाउडर, और आपको नींबू चाहिए और शहद चाहिए। तमाम चीजें आपके घर पे दस्तयाब है, और इन सबके मिलाने से जो मास्क बनेगा उससे आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। बल्कि ऐसे ही कह लीजिए कि आपने सिर्फ 4 दिन इस्तेमाल करना है और 5वें दिन आपको इंशाल्लाह ताला जो है वो अपना रंग देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। डेफिनेटली इसको सबके साथ लाजमी शेयर करेंगे। ये स्पेशल शेयरिंग है और ईद की वजह से मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रही हूँ। इस मास्क को बनाने का तरीका और किस तरह से अप्लाई करना है आइए इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी ग्लिसरीन को कॉटन के ऊपर लीजिए और इसे अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपको हाथ पर करके दिखा रही हूँ। तो आप इसे अपने चेहरे पर कीजिए, हाथों पे कीजिए, गर्दन पे, पांव पे कीजिए और जिसम पे किसी हिस्से पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने, और इसको बनाने में भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से बन जाएगा। ये देखिए मैंने जितनी सी ग्लिसरीन ले ली, 8-10 ड्रॉप्स होंगे। इसे आपने अपने चेहरे पर या हाथों पे जहां भी अप्लाई करना चाह रहे हैं कॉटन की मदद से अपने हाथ पर अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए, और इसे कम अज कम 10 मिनट तक अपने हाथ पे लगा रहने दीजिए। अगर अपने चेहरे पर अप्लाई किया है तो तब भी आप इसे 10 मिनट तक जो है वो लगा रहने दीजिए। 10 मिनट के लिए जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम मास्क तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बताना मैं चाह रही, लेकिन ये वीडियो कुछ स्पेशल है इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आइए हम तब तक में मास्क तैयार करते हैं। मास्क बनाने के लिए आप 2 चम्मच जो है वो बेसन ले लीजिए, मेरे पास ये आटा है। आप इसकी जगह चावल का आटा भी ले सकती हैं, गंदम का आटा ले सकती हैं, आप मैदा भी ले सकती हैं। इसमें आपने तकरीबन आधा टीस्पून जो है ना वो सैंडल का पाउडर जो है वो मिलाना है। ये आपको पंसार से आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक हो गया। इसको मिला लेने के बाद हम इसमें नेक्स्ट मिलाएंगे हल्दी। हल्दी की आपने 3 से 4 चुटकियां इसमें मिलानी है। आपको वीडियो ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी, मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो आप फैन हो जाएंगे कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ हमें 4 दिन में इतना जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसमें खुश्क दूध का मेन रोल है, इसको आप स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसी से आपको जो है वो पूरा रिजल्ट मिलेगा। आपने करीब आधा चम्मच जो है इसमें खुश्क दूध का मिलाना है। एवरी डे ले लीजिए, कोई भी खुश्क दूध का पैकेट ले लें, साथ ही आप उसमें से आधा टीस्पून जो है वो खुश्क दूध इसमें लाजमी ऐड करिए। उसके बाद हम इसमें शहद मिलाएंगे, आधा चम्मच शहद को इसमें मिला लें। मेरे पास प्योर है, जैसा कि मैं आप लोगों को बताती हूँ, आपके पास कोई भी आप इसमें मिला लें, कोशिश करें कि आपको सारी चीजें जो है वो प्योर ही मिले, क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ जब हम रेमेडीज बनाते हैं तो उसमें बेस्ट रिजल्ट जब ही आता है जबकि तमाम जो है वो प्योर हो, अच्छी क्वालिटी की हो। अच्छा जी, इनको थोड़ा सा मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें लीमू मिलाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि ये इसमें 4-5 दिन जो रहते हैं उसमें, बल्कि 4-5 दिन से भी शायद कम दिन रहते हैं, तो आप उनके साथ शेयर करें ताकि वो 4 दिन इस रेमेडी को अप्लाई करें और इसका जबरदस्त रिजल्ट देखें और उनको इसका फायदा हो सके और पार्लर जाने की उनको जरूरत नहीं पड़े। और वाकई ऐसा होता है, सिर्फ हम आपको बताते नहीं है, अगर जिस तरीके से आपको बताया जाता है उसी तरीके से आप इसको अप्लाई करें और जितने दिन के लिए बताया जाता है अप्लाई करें तो आपको रिजल्ट मिलता है। और जब भी आप इसको रेगुलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं या आपको पॉलर से जान छूट जाती है, केमिकल्स वाली क्रीमों से जान छूट जाती है, थोड़े से हौसले और सबर की जरूरत होती है। ये आपको इंस्टेंट रिजल्ट के लिए जो रेमेडीज शेयर की जा रही है, ये ईद की वजह से आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है ताकि आपको इससे फायदा हो सके, क्योंकि इतने कम दिन बचे हैं तो अगर 15-15-20 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। सॉरी, मुझसे दूध पी दिया नीचे। तो फिर अगर इतने दिन आप इसको करें तो फिर आपको क्रीम ही डेफिनेटली लगाएंगे कि चले क्रीम से आपको पूरी रिजल्ट तो मिल जाएगा। तो अगर आप कोई क्रीम लगा भी रहे हैं तो फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी कि आप इसको भी 4 दिन इस्तेमाल कर लीजिए और आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आप देख रहे हैं ये गाढ़ा है। अच्छा, दूध इसमें ऐड करने की कोई भी टेंशन आपने नहीं लेनी, जस्ट हमने इसको पतले से पेस्ट की शक्ल देनी है। इस वजह से तमाम चीजें पहले इसमें मिला लें ताकि दूध जो हम लास्ट पे इसमें मिलाएंगे सिर्फ इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। एक तो वो जल्दी उतर जाएगा, दूसरा हमारे स्किन को पानी की नमी की जरूरत होती है। जब तक मैं वो ये मास्क पूरा करेगा तब तक मैं ड्राई भी हो जाएगा, तमाम इंग्रेडिएंट्स का जो असर आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा और आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी। इस वजह से हमने इसमें दूध भी शामिल किया। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसको ऑयली स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जिनकी स्किन ऑयली और तमाम इंग्रेडिएंट्स है वो यही इस्तेमाल करें। अगर वो चाहें तो अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो वो इसमें जो है वो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करें। अदरवाइज इतना सा ऑयल जो हमने इसमें शामिल किया है कि जो है वो आपकी स्किन से व्हाइटनिंग भी आए और आपकी स्किन जब आप इसको रिमूव करें तो उस पर धुलियां भी नहीं पड़े और वो ड्राई नहीं होते। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिलाऊंगी आधे टीस्पून के बराबर। ठीक हो गया जी। अब फाइनली हम तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक दफा फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और ये आपका मास्क जो है वो तैयार हो गया, बल्कि मैजिकल मास्क कहेंगे क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत शानदार आपको मिलेगा। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ तमाम रेमेडीज ईद की वजह से आप लोगों के साथ शेयर हो रही है और साथ ही साथ ये भी सुन लें कि इसको बॉयज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे अपने हाथ पे अप्लाई करूंगी, अप्लाई करने के बाद मैं इसको ड्राई होने का वेट करूंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं ड्राई होने में। इसके बाद ये इस हालत में है, इसको हम रिमूव करेंगे तो बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। वो इसलिए कि हमने इसमें ऑयल मिलाया, ऑयल मिला लेने की वजह से ये हुआ कि हमारी स्किन जो है वो ड्राई भी नहीं हुई, एकदम से सॉफ्ट हो गई और हमें रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिल गया। अब जैसा कि आप फाइनली इसका रिजल्ट देख रहे हैं कि मैंने इसको पुश होने के बाद हाथ की मदद से रिमूव किया, इसको वॉश कर दिया, आप देख सकते हैं मेरा हाथ कितना सॉफ्ट और एकदम से नीट लग रहा है। आप वीडियो के स्टार्ट में जाके मेरे पहले के हैंड्स भी देख सकते हैं और आप इसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। ये व्हाइटनिंग के लिए और टाइटनिंग के लिए भी जबरदस्त है। आपके चेहरे की जीव जो है वो अगर लटकी हुई है और फ्रेश नहीं है तो इस मास्क को आप जरूर अप्लाई करिए। आप इससे सेकंड जो हाथ है मेरा राइट वाला उसका भी रिजल्ट देख सकते हैं। वीडियो को पोज कीजिए यहीं पे और फिर इस रिजल्ट को आप जरा गौर से देखिए कि मेरा जो राइट हैंड है वो एकदम से येलो और कुछ उसमें उसके आप नकल्स देख सकते हैं और वो बिल्कुल फ्रेश नहीं लग रहा, उसमें कोई टाइटनिंग भी नहीं है और लेफ्ट हैंड आपके बिल्कुल सामने है। रिजल्ट आपको देखने की बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल तो रहेगी और साथ ही साथ आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और मुझे ये भी यकीन है कि आप मुझे फीडबैक भी देंगे और सबसे जरूरी कि इसे अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिए। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए है ये और इतनी सी हेल्दी से आपका चेहरा येलो नहीं होगा, इसकी भी आपने परेशानी जो है नहीं लेनी। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच